कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हो रहा, 100 दिन का इंतजार किया हम लोगों ने, हमारी भूख खत्म थोड़ी हुई है कोई। पर 100 दिनों में जो देश ने मंदी देखी, मतलब आज एक ऐसा सेक्टर बता दो जिसकी सेल्स में 30-40% कमी नहीं आई हो 2 महीने। नंबर एक, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात नरेंद्र मोदी जी ने हवा में नहीं की। फिर ये 5 ट्रिलियन वैसा ही है सुमित जी, आपको याद होगा। हालांकि अभी ये बोल देंगे नहीं, हमने नहीं कहा था वो बात, तो 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे, आगे होंगे सबके आने वाले। ये जो पूरा 5 वर्ष है इसमें हम $2 ट्रिलियन जोड़ेंगे, आपके आशीर्वाद से जोड़ेंगे, हिंदुस्तान की मेहनत से जोड़ेंगे। संबित भैया, 5 ट्रिलियन में कितने 0 होते बताना, बताओ ना। बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शक, बताता आप बैठो, बता दो आप 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हो, बताओ 5 ट्रिलियन में कितने, बताता आप सुनो आज, बताओ एबीपी न्यूज के दर्शकों को संबित पात्रा जी का ज्ञान, 5 ट्रिलियन में कितने 0 होते हैं। चलिए, आपने सवाल पूछा ना, आपने सवाल पूछा, जवाब देता हूँ आप, मैं जवाब देता हूँ, देख लेना जवाब, जवाब मैं जवाब देता हूँ, 5 ट्रिलियन में कितने 0 होते हैं, मैं जवाब देता हूँ। पहले ये राहुल गांधी से पूछ के आओ मेरे भाई, देखिए कितने 0 होते हैं, ये देख लिया आपने, मैंने इनसे इनका ज्ञान आपने देखा, इनका ज्ञान देख लिया आपने, 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन 0 नहीं पता है 5 ट्रिलियन में कितने होते हैं, बता दे। तो मेरा चैलेंज है इनको आज, 5 ट्रिलियन में कितने, चलिए आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, 12 10 to the power 12 होते हैं, 10 to the power 12, और 0000 कितने होते हैं, 10 to the power 12 ट्रिलियन होते हैं, 10 to the power 9 बिलियन होते हैं, 10 to the power 6 मिलियन होते हैं, 10 to the power 12 भूल गए, याद रखो ट्रिलियन ट्रिलियन कहते रहते हैं। पढ़ लिख के आया, अरे शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, देश का गृह मंत्री था, देश का फाइनेंस मिनिस्टर था, चोरी डकैती करके जेल जा रहे हैं और यहाँ आके छाती पीट पीट कर कितनी जीरो है बताओ कितनी जीरो है। इतना फिर उत्तेजित हो गया भाई, मेरा थोड़ा उत्तेजित हो गया क्योंकि नहीं आया इसको, कोई बात नहीं, अगली बार याद करके आना, कोई बात नहीं। देखिए अमित शाह साहब क्या थे, मैं बताऊं आपको कि याद नहीं है, देश के गृह मंत्री तड़ी पार रहे हुए हैं, तड़ी पार, तड़ी पार का मतलब होता है जो समाज में रहने लायक नहीं हो। फिर बताऊं आपको, येदुरप्पा खुले आम वीडियो है भाई, आप YouTube में डाल के देखना, खुले आम बोलते हैं इतने करोड़ ले लो, इतने MLA ले आओ। जो कर्नाटक असेंबली में बैठ के पोर्न पिक्चरें देखता था उसको उप मुख्यमंत्री बनाया है, अब मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्या देखना पड़ेगा प्रभु, ये बताइए क्या बोलते हो, आपको पता ही नहीं है। आपसे कुछ सवाल पूछते हैं GDP का, राहुल गांधी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, कमला नेहरू, अरे भाई 5 साल से आपकी सरकार है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। पिछली बार ग्लोबल रिसेशन हुआ था मनमोहन जी के समय, हमने देखा था कि ये पूरा GDP लुढ़क कर 4.8 पे आके अटका था, आज 5% पे है, और ऑटो सेक्टर एकमात्र ऐसा सेक्टर है जो थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस्ड है, मगर एक सेक्टर को एक्स्ट्रापोलेट करके पूरे GDP पे दिखाना ये उचित नहीं है मेरे भाई। क्यों लोग अर्थशास्त्र के जो विद्यार्थी है वो खुदकुशी कर लेंगे आपको सुन के, GDP जब गिरती है तो सारे सेक्टर उसमें आते हैं, बोलते नहीं, सिर्फ ऑटो सेक्टर में मंदी है, बाकी तो भाई बहुत बहुत प्रोग्रेस हो रही है। और जब हम बोलते हैं एक सेक्टर बताओ, ऑटोमोबाइल से स्टार्ट करते हैं, गारमेंट से स्टार्ट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं, FMCG गुड्स की, सुमित जी HUL ने पहली बार अपनी साबुन तेल कंगों की बिक्री में 35% गिरावट दिखाई है, लोगों के पास साबुन तेल कंगा खरीदने का पैसा नहीं है। अरे भैया ये जो युवा लोग हैं ये बेरोजगार क्यों हैं इसका जवाब देते नहीं हो, हमारी अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है इसका जवाब देते नहीं हो, 100 दिन में आपने भयंकर मंदी क्यों लाए उसका जवाब देते नहीं हो, उस मंदी से उबारने का क्या उपाय है उसका जवाब देते नहीं हो। NHAI आज प्रधानमंत्री कार्यालय NHAI को लिखता है कि रोड के सारे प्रोजेक्ट रोक दिए जाए उसका जवाब देते नहीं हो। कोई बात पूछो, राहुल गांधी अच्छा। खराब है, अरे हम मैं एक मिनट, सुमित भाई मैं खराब हूँ, राहुल गांधी खराब है, तुम तो अच्छे थे ना भाई, तो ये NHAI के प्रोजेक्ट क्यों बंद हुए ये जवाब दो। मैं सारे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को आज संबोधित करता हूँ कि ना मुंह छुपा के जियो न सर झुका के जियो। मैंने इनसे बार बार पूछा GDP क्यों गिर रही है, सर झुका के जियो ना सर झुका। अरे भैया आप दोनों का पावर, अरे 10 to the power 12 की कमी है।
मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी वाह वाह वाह। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा इतना फिर उत्तेजित हो गया, या तो गाना सुना दे फिर। अंदर से कोई बाहर ना आ सके, बाहर से कोई अंदर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। बस टोपी लाओ, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं।